आगे लगी तो नहीं क्या कर सुन तो ये तो बंदा अपना नाम प्रमोट कर रहा है लकी डॉग ने खुद का नाम प्रमोट कर रहा है लेकिन रमेश वाले साहब यहाँ पर मौजूद है और ये अपनी कल्पिंग सब लगे हुए हैं कितनी से बात कर रही को बहुत बहुत बधाई This award is really a token of inspiration for everybody. I think the mic is not working, but okay. So I think this motivates people in a different kind of field of acting, different direction, as well as they improve fitness. So that is something is very, very much good. Because fitness is important for everybody, either they are actor or the normal people, male, female, whatever. Or faster, or to ke liye. बिकॉज औरत तुम जड़ हो और अगर जड़ मजबूत है तो पेड़ मजबूत है और हमारा समाज मजबूत है तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सभी के लिए एंड थैंक यू सो मच ओवर हियर एंड दिस इज समथिंग थोरली माय ऑनर एक नई सोच है नई खोज है आजकल सब कुछ डिजिटल हो चुका है तो उसमें चाहे कॉमेडी हो चाहे म्यूजिक हो हर तरह का फॉर्म जो है सोशल मीडिया के जरिए अब तक पहुंच रहा है तो ऐसे में लकी ने जो बनाया है इंडियन सेलिब्रिटी अवार्ड तो इसके लिए मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूं आपके पूरे टीम को भी और जो यहां पर खास मेहमान आए सामने बैठे वीआईपीज को प्रणाम करता हूं और पीछे बैठे वीवीआईपीज को प्रणाम करता हूं अच्छा आपको गाना सुनाना है लेकिन गाना सुनाने का जाना नहीं है और यहाँ पे जितने लोग जिनको अवार्ड मिलने वाला है लकी ड्रॉ होगा जिनका वो तो लकी है ही जिनको नहीं मिलेगा वो अपने आप को अनलकी ना समझे अपने किस्मत आजमाते रहे कि 50 साल हो चुके हैं रमेश गोयल साहब को उन्होंने हार नहीं मानी हमें दूसरे कोई हो गए है ना रमेश सर तो रमेश गोयल साहब से हम सबक सीखना चाहिए कि कभी भी हार ना माने और आज भी ये आमिर खान सलमान खान शाहरुख खान के साथ काम करते हैं और इनके मोबाइल में कम से कम 60-70-100 लड़कियों के नंबर हैं नहीं नहीं सबको भी पारिवारिक कलाकार मानते हैं और कोई है तो ये सब माहौल बन रहा है मैं देख रहा हूँ आजकल गोयल साहब एक हट्टा कट्टा भिखारी भीख मांग रहा था हट्टा कट्टा भिखारी भीख मांग रहा है जहाँ पर कॉमेडी का नाम जोड़ा जाता है कॉमेडी का नाम लिया जाता है सबसे पहले सुनील बाबा का नाम लिया जाता है पहले भी है नहीं कॉमेडी कॉमेडी नहीं हो सकती है जिनके बीच बाबा अष्टहार है यार कॉमेडी नहीं हो सकती है जिनके बिन उस महान कलाकार का नाम है मूवी मूवी साहब दो मिनट तस्वीर बैठे मैं जरा जोक समझ में कर आएगा और इसके बारे में इनसे अच्छा कौन जानता है रमेश सर क्या बोलना चाहेंगे रमेश सर प्लीज नमस्कार आज बहुत अच्छा लग रहा है कि काफी लोग हैं यहाँ पर और सुनील भाई नजर रखे हैं और बहुत अच्छा लगता है तो बहुत बहुत धन्यवाद नेपाल जी बाकी मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊंगा कि मैं एकदम टोटली बुढ़ा आदमी हूँ लेकिन मेरी जो फीलिंग है वो 20-25 साल की लड़की की तरह से नंबर पे थाईलैंड के बाद हम लोग का सॉन्ग है गोवा के किनारे वाले और ये कभी हम लोग ने सोचा नहीं था सिर्फ काम करना है अच्छा करना है और कुछ तो अलग करना यही सोच के हम लोग ने ये किया था सबका और मेरी टीम
स्टार्टिंग की थी मैंने बॉलीवुड से जो दो मूवी किए थे मैंने, लेकिन वो आए नहीं कुछ रीजन की वजह से। तो बाद में मेरी टीम बोली कि अगर आप बॉलीवुड में करना चाहते हो तो हम अपने रीजनल से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे। तो हम लोग ने वही रीजनल से स्टार्ट किया और रीजनल मुझे पता नहीं था कि इसमें दौर पे जाएंगे। अजय दादा अतुल दादा के बाद हम लोग का सॉन्ग आ गया और अभी जो भी हम लोग सॉन्ग कर रहे हैं मराठी में, तो मूवी के मराठी मूवी के ज्यादा ही हम लोग को व्यूअर्स मिल रहे हैं। ये हम लोग का अचीवमेंट है। इसलिए सब पूरे रसिक माय बाप का मैं धन्यवाद करता हूँ कि इतने आप लोग हम लोग को सपोर्ट करें। थैंक यू। साथ में एक जो करना है चिंता देखना है तो आप सोशल मीडिया में सब्सक्राइब कर सकते हैं सेलिब्रिटी लकी ड्रॉ, और ऐसे सेलिब्रिटीज आएंगे अपने रूबरू करेंगे, मूवी प्रमोशन करेंगे और आपको भी मिल सकता है। ये है डायमंड सेलिब्रिटी लकी ड्रॉ, वो भी मिल रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है तो आप
जल्दी से सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ ही साथ ये तो बहुत छोटा सा गिफ्ट है, मे भी हो सकता है आगे चल के कार मिले, घर मिले, बंगला मिले, ऑल द बेस्ट सर। क्या बोलेंगे सर इनके लिए? डायमंड तानिया को जो डायमंड मिला है, फिर एक बार कहूंगा मैंने अपना नाम नहीं दिया था इसलिए मिला तानिया, उसका मुझे हिस्सा चाहिए। जी जी बिल्कुल। और मिस इंडिया में जाने वाली है, ऑल द बेस्ट, मिस इंडिया बनो, अल्टीमेट स्टार बनो, पूरा इंडिया तुम्हें मिस।